हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्रेड ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, एक और लेटेस्ट अपडेट आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा से जुड़ा हुआ है। जे स्टूडेंट्स, आपकी बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं कि आखिर आपकी परीक्षा कब होगी, टाइम टेबल कब तक आएगा और आपकी जो परीक्षा है वो किस पद्धति पर संपन्न होगी, किस पद्धति पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। ये कन्फ्यूजन अभी तक स्टूडेंट्स के माइंड में बना हुआ है। इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं क्योंकि बोर्ड ने अभी तक आपको कोई फैसला नहीं सुनाया है। फाइनल डिसीजन बोर्ड ने अभी तक नहीं लिया है। समझिस में बोर्ड ने आपको रखा हुआ है, आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि आखिर कब तक आएगा फैसला और आपको जो टाइम टेबल है वो कब तक आएगा, क्योंकि एक महीने के लिए आपकी जो परीक्षा स्थगित की गई है तो उसका टाइम टेबल अभी तक जारी नहीं हुआ है और ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि आपकी जो परीक्षा है वो किस पद्धति पर ली जाएगी। ये सारे ही सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ जानकारी निकलकर यहां पर सामने आई है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस हेडिंग को ध्यान से पढ़ लीजिए। एमपी बोर्ड 10th और 12th एग्जाम परीक्षा को लेकर इस दिन हो सकता है अंतिम फैसला। तो आप ये देख सकते हैं, ये न्यूज़ के बारे में आपको बता दूं, ये कब की न्यूज़ है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये फ्राइडे 30 अप्रैल मतलब कि यस्टरडे, कल की ही न्यूज़ है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए एक जानकारी है कि इसी बीच सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इस पर अंतिम फैसला 5 मई तक लिया जा सकता है। मतलब जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो बोर्ड परीक्षा के लिए जो फैसला आने वाला है वो 5 मई तक लिया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अभी तक आपको आदेश जारी नहीं किया गया है फाइनली कि आपकी परीक्षा कब होगी और किस पद्धति पर होगी। तो चलिए जान लेते हैं पूरी जानकारी डिटेल में। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है, भोपाल की ये न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। 12वीं की परीक्षा 1 जून से ऑनलाइन मोड में कराने पर विचार किया जा रहा है। जी हाँ, ऑनलाइन मोड पर कराने पर सिर्फ विचार किया जा रहा है अभी, जबकि 10वीं के छात्रों को CBSE की तर्ज पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास करने पर चर्चा हुई है। तो ये तो क्लियर हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10th के छात्रों के लिए यहाँ पर बता दिया है कि आपकी जो 10वीं की परीक्षा है आपको तो जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, वो भी किस तर्ज पर दिया जाएगा, CBSE की तर्ज पर। मतलब आपके जो इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर, उसके बेसिस पर आपको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। ये तो क्लियर हो चुका है, लेकिन इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसी भी सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक इस पर अंतिम फैसला 5 मई तक लिया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ऐसे में 10वीं और 12वीं के छात्रों को सलाह है कि बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि विजिट करते रहें। चलिए थोड़ा सा और मैं आगे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर और कुछ जानकारी दी गई है, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये तो एक नोटिस जारी हुआ था, ये आपके काम का नहीं है, एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ और क्या जानकारी यहाँ पे निकल कर आई है। तो जानकारी के बारे में आपको बता दूँ, यही आप देख सकते हैं कि इस संबंध में MP बोर्ड ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया था और नोटिस जारी करके यही कहा था कि आपकी परीक्षा से संबंधित जो फैसला है बहुत जल्दी लिया जाएगा, उस पर अभी विचार किया जा रहा है, विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं परीक्षा को संबंध निर्णय के बारे में जल्दी अवगत कराया जाएगा और एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। तो ओवरऑल इस न्यूज़ से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये क्लियर हो रहा है कि 5 मई तक कहा जा रहा है कि आपकी परीक्षा से संबंधित फाइनल फैसला सुना दिया जाएगा। मतलब कि 10th वालों को इंटरनल असेसमेंट में बेसिस पर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, उसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार होगा। ये तो उन्होंने कह दिया है, लेकिन इसका अभी इन्होंने फाइनल नोटिस जारी नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि 12वीं को लेकर तो अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। जैसा कि बताया जा रहा है कि आपकी परीक्षा ओपन बुक से हो सकती है, ऑनलाइन मोड पर भी कराई जा सकती है और अलग अलग तरह से यहाँ पर मंथन चल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 मई तक फाइनली फैसला आ जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपकी आखिर परीक्षा होगी तो कब होगी, किस डेट से स्टार्ट होगी और किस पद्धति पर स्टार्ट होगी, जिससे कि आप 100% अपनी स्टडी पर फोकस कर पाएँ। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बीच में ही अपनी स्टडी को रोक दिया है। पहले बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे थे, पूरे जी जान से मन लगाकर आप स्टडी कर रहे थे और अब देखने में और सुनने में यही आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी स्टडी को बीच में रोक दिया है या फिर स्लो कर दिया है और आप वेट कर रहे हैं कि जैसे ही आदेश आए उसके बाद वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर उनकी परीक्षा ऑनलाइन होती है या फिर ओपन बुक से होती है तो वो बहुत आसानी से इस परीक्षा को दे सकते हैं घर बैठकर, इसलिए स्टूडेंट ने स्टडी को बीच में रोक दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा। आप देख लेते हैं 5 मई तक क्या होगा, जो भी कुछ नया अपडेट, जो भी कुछ नया आदेश आएगा बिल्कुल मैं आपको अपडेट कराऊंगा, इसकी सटीक और सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा।
चाहूँगा जिससे कि आप अपनी स्टडी पर फोकस कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आप अपनी राय, अपनी ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आखिर आप चाहते क्या है, कि आपकी ओपिनियन क्या है, ये भी आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो दोस्तों हाँ, एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्ट्रीट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।